अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फिट के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद जी आया नो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आप अहबाब की खिदमत पे हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज वो अहबाब सामने आ जाए जिनकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, मादा मनवी या बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गया है, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम जो उनसे हैं वो बिल्कुल 5% रह गए हैं, डॉक्टरों ने उनको लाइलाज कर दिया है। तो आइए जल्दी से ये चीज़ इस्तेमाल कर लें यार, इतनी सादा और आसान चीज है, आप अक्सर खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में मौजूद पड़ी है, ये चीज किचन में मौजूद है। मैं आपको बताने लगा हूँ, यकीन जान लो इसको खाने के बाद आपका मादा इस कदर वाफिर मिकदार में पैदा होगा कि जब मादा ज्यादा होगा तो जहरी बात है टाइमिंग ज्यादा आपकी लगेगी। गाढ़ा मादा निकलने में टाइम लगाता है जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग ज्यादा होगी, आपके जू में सख्ती तंदी देर तक रहेगी। बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों आज मैं जो आपको बताने लगा हूँ। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि फिटनेस फैक्ट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। दोस्तों नुस्खा बहुत ही आसान है, जल्दी से नुस्खा आपके हवाले करता हूं, बहुत ही कम टाइम में आज मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हैंड फ्री लगा लेनी है या कापी पेंसिल अपने पास रख लें इस नुस्खे को नोट करने के लिए। आप इसको अपने जेब में भी रख कर घूम सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपने लेने हैं तिल सफेद, तिल फिर आपको बहुत ही आसानी से किसी भी पंसार से मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, उनको अच्छे तरीके से पहले साफ करना है, साफ करके आपने उनको चूल्हे पर हल्का सा बिल्कुल भून लेना है, बिल्कुल हल्का सा उनको ब्राउन करके उसमें आपने क्या करना है शक्कर मिला लेनी है। अब आपने क्या करना है, शक्कर जब मिल जाए तो उसको आपने हथेली पर रख के फांक लेना है, ऊपर से आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी पी लें। आप अपनी ये मामूल में बना लें, हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि तिल बहुत ही गर्म होते हैं, गर्म मिजाज वाले इससे दूर रहें। लेकिन ये नुस्खा जो जो एक दफा खाएगा यकीन माने कब्र तक मुझे दुआएं देगा, और ऐसा जबरदस्त नुस्खा है कि आपके मादा को वाफिर मिकदार में पैदा करेगा। और जैसा कि जुरू में मैंने जुमला अमराज बताए हैं उन तमाम का हल ये लेकर आपकी खिदमत में आज मैं हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीज है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी ही वीडियो जानने के लिए। मुझे अब दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ कल इसी तरह के नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।